बिहार में होता है अंधेरे में इलाज। लाइट नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ टॉर्च में भी हो सकता है आपका इलाज। बदहाली की ये तस्वीर सामने आई है बिहार के हाजीपुर से। संसाधनों से लैस होने का दावा करने वाले बिहार के स्वास्थ्य महकमे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करते दिखे। तस्वीरें देर रात गुरुवार की हैं, जहां चाकूबाजी में घायल कई लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे। गंभीर हालत में पहुंचे मरीज लहूलुहान थे और कईयों को इलाज की तत्काल जरूरत थी, लेकिन संसाधनों से लैस सरकारी अस्पताल की बिजली गुल थी। हालात को देख स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत जुगाड़ का इंतजाम किया और मोबाइल टॉर्च के सहारे शुरू हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर के अंधेरे कमरे में दिक्कत आ रही थी, तो स्वास्थ्य कर्मी कुछ लोगों का बरामदे में ही इलाज करने लगे। तस्वीरें हैरान करने वाली थी। एक तो रोशनी नहीं ही थी, साफ सफाई का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। इलाज करने वाले ने ना हाथों में ग्लव्स पहने थे, ना मुंह पर मास्क लगाया था और इलाज हो रहा था। इस बेहाल व्यवस्था पर जब कर्मचारियों से सवाल हुआ तो स्वास्थ्य कर्मी हकलाने लगे। बेहाली के सवाल पर स्वास्थ्य कर्मी हालात का हवाला देते दिखे। बाहर में कहाँ इलाज कर रहे हैं आप लोग? जी बाहर में इलाज क्यों कर रहे हैं? ओटी में लाइन कटा हुआ है, दो घंटा से ओटी में। ओटी में लाइन नहीं है। दिख रहे थे टॉर्च के लाइट में आप लोग स्टिच दे रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ क्या हुआ? ये अस्पताल और अंधेरे की बदहाल तस्वीरें चीख चीख कर लापरवाहियों की गवाही दे रही है। ना जाने कब ये प्रशासन की नींद टूटेगी। बिहार सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है। अगर इन हालातों में कोई अनहोनी हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। ये थी हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट बिहार तक।